हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए आप और आपकी पूरी टीम साइट पर कोई काम कर रहे हैं और आपका जो पैनल रूम है वहां किसी रीज़न से धुआं उठने लगता है, तो आपको साइट पर यह कैसे पता चलेगा कि पैनल रूम में धुआँ उठ रहा है, सो दैट आप आएँगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इंडस्ट्री में कोई एक या दो पैनल रूम नहीं होते, बहुत सारे पैनल रूम होते हैं जहां अलग अलग एरिया के पैनल रखे रहते हैं। तो कौन से एरिए के कौन से पैनल रूम में धुआं उठ रहा है, इस बात की एश्योरेंस कौन देगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन से एरिए के जो पैनल रूम है वहाँ पर कोई फॉल्टी कंडीशन इतनी बढ़ गई है कि धुआँ उठने लगा है? तो दोस्तों, वहाँ पर बात आती है फायर अलार्म सिस्टम की। दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ आपको फायर अलार्म सिस्टम देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फायर अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, जैसे ये एक पैनल रूम है, तो इस पैनल रूम में जगह जगह स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं और वो स्मोक डिटेक्टर इस फायर अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब भी अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं इस रूम में, या किसी टेक्निकल फॉल्ट के वजह से अगर धुआं उठता है, स्मोक डिटेक्ट होता है, तो ये जो स्मोक डिटेक्टर है वो उस स्मोक को डिटेक्ट करेंगे और ये जो फायर अलार्म सिस्टम है ये अलार्म को साउंड करेगा, मतलब यहाँ पर पूरे रूम में अलार्म बजने लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस पैनल रूम में कोई भी इंजीनियर या कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, तो उसे अलार्म सुन के ये पता चल जाएगा कि कोई इमरजेंसी, कोई फॉल्टी कंडीशन हुई है जिसके वजह से या तो धुआं उठा है या तो फिर आग लगने के चांसेस है। तो वो यहाँ पर आएगा और ये जो डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पर, ये उसे पता चलेगा कि कौन से पैनल रूम से धुआँ उठ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपकी इंडस्ट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल तीन एरिया है या तीन पैनल रूम है, तो यहाँ पर हम मैन्युअली ये फीड कर सकते हैं कि एरिया नंबर वन को मान लीजिए आपने ए कहा, एरिया नंबर टू को बी कहा और एरिया नंबर थ्री को सी कहा। तो जब भी फायर अलार्म बजेगा, आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में ये लिख कर आएगा कि एरिया नंबर सी में स्मोक डिटेक्ट हुआ है, सो दैट आप एरिया नंबर सी में जाके चेक कर सकते हैं कि या तो वो स्मोकिंग के वजह से हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई फॉल्टी कंडीशन के वजह से किसी पैनल से धुआं निकल रहा है तो वहाँ आपका सीरियस अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, सवाल ये भी आता है कि ये तो तब हो पाया जब कोई पैनल रूम में अवेलेबल था, उसने अलार्म सुना और उसके बाद यहाँ पर आके डिस्प्ले यूनिट में देखा कि किस एरिया के पैनल रूम में स्मोक डिटेक्ट हुआ है। अब मान लीजिए अगर आप साइट पर कहीं काम कर रहे हैं तब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि पैनल में जो अलार्म बजेंगे वो तो आपको साइट पर सुनेंगे नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए मेन गेट पे जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठते हैं, वहाँ पर भी एक डिस्प्ले यूनिट लगाया जाता है जहाँ उनको ये पता चल जाए कि कौन से एरिया का स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। तो जैसे अगर आपके एरिया में, आपके प्लांट में तीन एरिए हैं, तो वो तीन एरिए का डिस्प्ले यूनिट वहाँ पर रहेगा। जिस भी पैनल रूम का स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करेगा वो इस डिस्प्ले यूनिट में तो डिस्प्ले होगा ही, प्लस सिक्योरिटी पर्सनल के पास हमने जो डिस्प्ले यूनिट दिया है वहाँ पर भी लाइट जलेगी, उनको भी ये दिखेगा कि कौन से एरिया के पैनल रूम में स्मोक डिटेक्ट हुआ है। तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि एरिया बी का जो पैनल रूम है वहाँ स्मोक डिटेक्टर का अलार्म आया है। तो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आपको मैसेज मिल पाएगा और आप वहाँ जाके जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में फायर अलार्म सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया में स्मोक डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन बार दिया है, यहाँ पर जैसे हम फ़ोन में किसी का फ़ोन नंबर सेव करते हैं, वैसे यहाँ आप किस आपके इंडस्ट्री में कौन से एरिया को क्या नाम दिया गया है ये आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं जो आप इसमें ये देख सकते हैं कि कौन से एरिया में फायर अलार्म आया है। इसके बाद जब भी आप करेक्टिव एक्शन ले लेंगे तो उसके बाद भी अलार्म तो बजता रहेगा, तो आप यहाँ आएंगे, उस फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे और उसे यहाँ से रीसेट करेंगे, उसके बाद वो अलार्म बजना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है फायर अलार्म सिस्टम जो सीमेंस कंपनी का हमारे कंपनी में लगा हुआ है। आपके कंपनी में कौन सा टाइप का फायर अलार्म सिस्टम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। बल्कि जबकि आपको अगर हमारे चैनल अच्छे लगते हैं, इस चैनल के वीडियोज़ जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ में बनाता हूँ वो अगर अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।